आपकी लाइफ मजाक नहीं है यार, सच में ये लाइफ बहुत बड़ी है। भगवान ने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो इस लाइफ का यूज़, 90 दिन का चैलेंज दो मेरे भाइयों की, हाँ यार मैं करके रहूँगा, 100% करूँगा इस बार, कमेंट कर देना। हरे कृष्णा। दोस्तों एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल के भाइयों द्वारा, और इस तरह के प्रश्न सच में पूछने बंद करने चाहिए दोस्तों, और वो प्रश्न ये कहता है कि दोस्तों ब्रह्मचर्य का असर कब से देखना स्टार्ट होगा। बहुत सारे भाई लोग ब्रह्मचर्य करते हैं और उनको फायदे नहीं दिखते हैं और फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। भैया गलत वीडियो देखना, गलत क्रियाएं करना, गलत थॉट लेके आना अपने मन में, स्त्री का ध्यान करना, इस तरह के थॉट्स बस। और दोस्तों ये नॉर्मल है, इंसान का नेचर है, बट आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा आज की इस वीडियो से दोस्तों, कि ये जो प्रश्न है दोस्तों ये कुछ अलग चीज़ दिखाता है दोस्तों आपके बारे में, और ये दिखाता है कि दोस्तों आजकल के भाइयों में, किसी भी व्यक्ति में सब्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है। बहुत अशांत हो चुके हैं एक्चुअली भाई लोग, सब लोग, और ये इंसान का नेचर है दोस्तों, ये नॉर्मल है। बट दोस्तों इस वीडियो से और इस बात से सीखना चाहिए आपको दोस्तों कि इस दुनिया में सब्र बहुत ज़रूरी है। बिना सब्र रखे दोस्तों ना ब्रह्मचर्य संभव है, और ना ही कोई बड़ी जॉब पाना, ना ही अच्छा बिजनेसमैन बनना, ना ही अच्छा कमाना, अच्छे पैसे वाला बनना, और ना ही अच्छी फिजिक वाला बनना, और ना ही अच्छा स्पीकर बनना, ना ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपना, ना ही एक अच्छा व्यक्ति बनना। ये सब्र बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए इस दुनिया में सबसे पहले सब्र सीखना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का असर के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने से सच में मुझे ऐसा लगता है कि भैया सब्र खो चुका है आजकल के भाइयों में। सब्र रखो दोस्तों। और मेरे भाइयों ऐसा जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न किसी बहुत महान जो महापुरुष बने हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्यों नहीं पूछा होगा, समझ सकते हैं आप, सोच सकते हैं इस बारे में कि जो महापुरुष बने हमारी लाइफ में, हमारे देश में, उन्होंने इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं पूछे होंगे कि ब्रह्मचर्य का असर कब दिखेगा, ब्रह्मचर्य का फ़ायदा कब मिलेगा, इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं पूछे होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर यह है दोस्तों कि उनका लक्ष्य बहुत बड़े बड़े थे, उनका लक्ष्य ब्रह्मचर्य करना नहीं था दोस्तों, उनका लक्ष्य ब्रह्मचर्य से थोड़ा ऊपर उठ के था, और एक्चुअली ब्रह्मचर्य उनकी लाइफ थी। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य की लाइफ अपनाई दोस्तों, तब जाके उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, बड़े बड़े लक्ष्य जो भी उनके लक्ष्य थे। और ऐसे ही मैंने एक वीडियो में बताया था दोस्तों हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी का लक्ष्य ब्रह्मचर्य नहीं था, बल्कि हनुमान जी का मेन मोटिव था अपने प्रभु श्री राम को हमेशा याद रखना, उनको पाना, उनको अपने मन में रखना दोस्तों, हमेशा राम राम का भजन करना, ये उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था। इसलिए समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जो ये लाइफ है, हमारी जो लाइफ मिली है हमको, भगवान ने जो लाइफ दी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी होती है। ये कोई मूवी नहीं चल रही है, ये कोई शादी में जरूर आना जैसी मूवी नहीं है, जिसमें एक सीन में एक बंदे का दिल टूटता है और दूसरे सीन में वो बंदा IPS ऑफिसर बन जाता है। इस लाइफ को बहुत सब्र से जीना पड़ता है, सब्र रखते हुए दोस्तों। एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, और इन 24 घंटों में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल केवल और केवल क्या आते हैं दोस्तों, गलत विचार, लड़कियों के बारे में सोचना, या फिर गलत वीडियो देखने का, या फिर अश्लील वीडियो देखने का मन करना दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने का मन करना दोस्तों, ये देखना भी बहुत गलत है दोस्तों। इस ब्रह्मचर्य में अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ब्रह्मचर्य का असर आपकी लाइफ में आए, तो वो डेफिनेटली आएगा मेरे भाइयों, इतनी गारंटी है, वो 100% आता है। लेकिन ये केवल तब आता है दोस्तों जब आप संयम रखते हुए दिल से ब्रह्मचर्य करते हैं और दिल से परमात्मा को याद करते हुए करते हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ा सच है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों कि यार ये ब्रह्मचर्य का असर जो है दोस्तों आपको 30 दिन में दिख जाएगा, 1 महीने में दिख जाएगा, 60 दिन में दिख जाएगा, और एक्चुअली दिखता है, इसका असर दिख जाता है दोस्तों, 1 हफ्ते में भी दिख सकता है, 1 महीने में भी दिख सकता है, एक्चुअली दिखता है, लेकिन दिल से करना तो पड़ता है मेरे भाइयों, बिना करे नहीं मिलता है। और ये असर क्या होता है दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो ये गलत क्रियाएं हैं, हस्तक्रिया है, अपने वीर का नाश करने वाली क्रिया है, या फिर गलत वीडियो देखने की क्रिया है, जो भी गलत कार्य हैं, ये बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति कर लेता है दोस्तों, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं दोस्तों, ये इनको लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है एक्चुअली। कोई व्यक्ति इनके बारे में सोचना चाहेगा तो
खुद ब खुद उसकी तरफ। आजकल सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है दोस्तों, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है, जो चाहो वो देखो दोस्तों, हर तरह की वीडियो देख सकते हो आप। लेकिन इनकी ओर ध्यान नहीं देना पड़ता है दोस्तों, सच में ये है सच आजकल का दोस्तों। और 90 दिन बाद डेफिनेटली आपको ये असर देखने का मिलता है दोस्तों ब्रह्मचर्य का। और उस बीच में बहुत सारे दोस्तों का स्वप्न दोष हो जाता है और बहुत सारे भाइयों को कमजोरियाँ फील होती हैं दोस्तों। तो वो भी आपकी बॉडी आपको दिखाती है दोस्त, वो बॉडी आपको उल्लू बनाती नहीं बल्कि वो आपकी बॉडी का नेचर है एक्चुअली। जो व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हस्तक्रियाएँ की होती हैं दोस्तों, वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाता है कि भैया मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति है तो मुझे हस्तक्रिया कर लेनी चाहिए, और वो इसी झूठ में फंसे रहता है दोस्तों और लगातार करते रहता है। और जब वो दिल से ब्रह्मचर्य करना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो उसके शरीर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। और चेंजेस क्या आते हैं दोस्तों, जब वो ब्रह्मचर्य कर रहा होता है दोस्तों तो उसको कमजोरियां फील होती हैं बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि भैया मेरे बॉडी में अंदर ताकत ही नहीं रह गई है, भैया मेरे को तो कोई असर ही नहीं दिख रहा है ब्रह्मचर्य का, मैं ब्रह्मचर्य करूँ क्यों, इसलिए मुझे फिर से हस्तक्रिया कर लेनी चाहिए भैया, है ना, तो फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों। और बीच में स्वप्न दोष हो जाता है दोस्तों, और स्वप्न दोष से परेशान होकर वो बंदा कहता है भैया अगर ये स्वप्न दोष वैसे हो जा रहा है तो भैया क्यों ना मैं अपने हाथ से ही ला लेता हूँ यार, क्या करना है ना, अपने हाथ से गलत क्रियाएं करके गलत विचार देख के। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य को मन तन और वचन तीनों प्रकार से करना पड़ता है आपको। दिल से करो, अंदर से करो दोस्तों, मन से करो, तन से करो, बॉडी से दोस्तों। हर तरह की इंद्रिय सुख को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, इंद्रिय सुख को लेने की नहीं सोचनी है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और वचन से दोस्तों, किसी भी तरह के ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों जो कि गलत हैं दोस्तों। और सच में दोस्तों आपको फ़ायदे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और ये जो बीच में प्रॉब्लम आती है दोस्तों और शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य के बीच में, 90 डेज ब्रह्मचर्य के बीच में जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी दोस्तों, उनको बस इग्नोर मारना है आपको। उनको ये सोचना है कि भैया ये नॉर्मल है, नेचुरल है, सच में उनसे घबराना नहीं है आपको, उनसे डरना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। और गलती से भी आपका दिमाग, ध्यान, आपका मन जा सकता है बहुत आसानी से गलत जगह, लेकिन उसको बोलना है भैया रुक जा, 90 डेज करने दे। और 90 डेज ही नहीं बल्कि मेरे भाइयों 90 डेज तो आपको जब आप कर रहे होंगे तो भैया आप सोचेंगे कि यार 90 डेज तो बहुत ज़्यादा हैं और क्यों ना मैं अब आज कर लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है, एक दिन तो कर लूँगा मेरे भाइयों। तो देखो दोस्तों समझने वाली बात यह है दोस्त कि गलत क्रिया करने से पहले ये सोच लेना मेरे भाई, अगर मैं एक दिन हस्तक्रिया कर देता हूँ दोस्त तो मेरे इतने दिन की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। मान लिया आपने एक महीने तक किया और एक महीने बाद आपका मन कर रहा है भैया हस्तक्रिया करने का, मान लिया आपने 10 दिन भी किया दोस्तों आपका मन कर रहा है हस्तक्रिया करने का, तो दोस्तों ये समझना कि मेरी 10 दिन की मेहनत खत्म हो रही है। और इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसी लेके आऊँगा मेरे भाइयों जिससे आपको समझ में आएगा मेरे भाइयों कि आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता कितनी पावरफुल तरीके से है आपकी लाइफ में। इसलिए मेरे भाइयों इस तरह के प्रश्न पूछना बंद करो कि भैया मुझे असर नहीं हो रहा है, क्या असर कैसे मिलेगा, असर कैसे मिलेगा। अरे मेरे भाई करके तो देखो, दिल से करके देखो मेरे भाइयों, असर डेफिनेटली मिलेगा मेरे भाइयों, 100% दिखेगा आपको असर। और असर ऐसा होगा मेरे भाइयों कि आपकी बॉडी में इतनी पावरफुल एनर्जी रहेगी, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा मेरे भाइयों, दिल से बहुत अच्छा महसूस करता है दोस्तों ब्रह्मचर्य करने से। और बॉडी अच्छा महसूस करेगी दोस्तों तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे यार, आपकी लाइफ मजाक नहीं है यार, सच में ये लाइफ बहुत बड़ी है, भगवान ने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। तो इस लाइफ का यूज़ हस्तक्रिया में मत करो मेरे भाइयों, वरना आपको मैं दो तीन लोगों की शक्ति भी दे दूंगा दोस्तों, तो आपका जो ये वासना है कभी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, मतलब जो ये गलत क्रिया करने से उनको आपको सुख कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलने वाला है दोस्तों हस्तक्रिया से। लेकिन असली सेटिस्फेक्शन दोस्तों कहाँ पर है, ब्रह्मचर्य में और परमात्मा में और अपने लाइफ में काम करने में दोस्तों असली सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप काम करते हैं ना तो आपको सच में मिलेगा सेटिस्फेक्शन कि हाँ यार यस, ये होता है असली सेटिस्फेक्शन लाइफ का, ना कि हस्तक्रिया करके वीर्य बहाना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, कुछ अगर 1% भी कुछ समझ में आता है मेरे भाइयों तो वीडियो को लाइक और 90 दिन का चैलेंज दो मेरे भाइयों कि हाँ यार मैं करके रहूँगा, 100% करूँगा इस बार, कमेंट कर देना। हरे कृष्ण।